टेलीग्राम कहीं से आया होगा, इसलिए उन्हें पता लग गया कि मंत्री जी इस रास्ते जा रहे हैं, हम भी हमारी भी जांच हो कि फतेहपुर से लेकर के बांदा तक न जाने कितनी जगह हम सांडों से टकराते हुए बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारी काफिला बाजारों में सांडों से टकराते हुए बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के, हम आपको वीडियो दे देंगे, बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके सांड भेजे जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। ये सांड भेजे, मैं वीडियो देता हूँ आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड सड़कों में भेजे थे जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। नकारात्मक खबरों को लेकर फरमान योगी सरकार ने लाया, आप लोग बच के रहिए, अगर कहीं आपने खिलाफ दिखा सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, यहाँ आजादी नहीं प्रेस को, सोचो ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे याद रखना, और फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा करके एक परिवार के वोट चार छह बूथ पर डाल देंगे। झूठों का बोल वाला कभी कभी झूठ वालों को लाभ मिल जाता है। जनता को लगा कि बीजेपी वाले इन्हें सोना देंगे, इनकी खेती बाड़ी को इतनी मदद करेंगे ये घर घर में सोना होगा, क्योंकि ये सोने की चिड़िया याद दिलाते थे भारत को। और लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं कि बिजली को लेकर के कि ये दिवाली और ईद कब्रिस्तान शमशान, लोगों को लगा कि शायद इनकी सरकार आएगी तो बिजली सस्ती मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। बताओ बिजली आती कब है फतेहपुर में और जाती कब है? और जब बिल आता होगा तो आपको अपने आप करंट लग जाता होगा, मीटर लगा दीजिए और किसान को करंट लगना बिल आता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जनता को समझाएं, इसीलिए शिविर लग रहे हैं कि जनता जाने कि एम्बुलेंस की सुविधा समाजवादियों की थी, अगर एम्बुलेंस की सुविधा और बेहतर हो जाती, इन्होंने जिला अस्पताल और बेहतर कर दिया होता, मेडिकल कॉलेज से दूर, आप लोग पत्रकार यही के हैं, मेडिकल कॉलेज ये कभी नहीं चला पाएंगे, जब बांदा का नहीं चला पा रहे, लखनऊ का नहीं चला पा रहे, केजीएमयू में स्टाफ शॉर्टेज है, लोहिया इंस्टीट्यूट में शॉर्टेज है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, कैंसर इंस्टीट्यूट में स्टाफ नहीं है, तो सोचो फतेहपुर में कब स्टाफ आएगा। हम मेडिकल कॉलेज चलाएंगे नहीं, जिला अस्पताल ठीक नहीं करेंगे, तो ये चाहते गरीबों को इलाज हो ही ना, वो बीमारी में ऐसी मर जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।